हेलो नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का उर्दू ज़बान के सबसे बड़े जश्न में, जश्न रेख्ता। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ध्यानचंद स्टेडियम की ओर। सर्दी काफ़ी है, मज़ा काफ़ी आने वाला है। गेट नंबर 3 और 4 से एंट्री है, हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 4 पर। तो घुसते ही हमें थोड़ी सी भीड़ दिखी, तो इस लाइन में अभी हम लोग चेक करवाएंगे अपने पासेस और फिर बढ़ेंगे आगे। कुछ ना कुछ मैं भी जरूर पी रहा था कि शायद मैं हल्का हल्का सुरूर पी रहा था, वो मेरे सामने चाय पी रही थी, क्या बात, मैं उसके चेहरे का नूर पी रहा था। यहाँ जावेद साहब की ना एक किताब है जिसका नाम है जादूनामा, उसकी अनवेलिंग हो रही है कल, लॉन्च हो रही है वो, ठीक है। और उसके लिए जावेद साहब बुक साइनिंग के लिए यहाँ तो आएंगे ही। देखो कितने सारे लोग वहाँ ना, वहाँ आके ना जावेद साहब के घर और के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आओ मंजुल। और सर मुझे वो तो खैर ठीक है, हो गई बात। अच्छा, हो मुझे ये बताओ कि आपका शायरी से तारुफ कैसे और कब, कैसे कहाँ? मेरा ऐसा है कि क्या कहूँ, रूहानी चीज है, तो ऑब्वियसली मतलब यू नो, अगर थोड़ा भी लिटरेसी के लिटरेरी साइड रुझान है तो हो जाता है, मतलब मेरे को शायद विरासत में मिला या जो भी। आप खुद भी करते हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत कितनी होती है? थोड़ी बहुत ही, मतलब कि दो किताबें या मतलब क्या? नहीं, कोई किताबें नहीं, कोई किताबें नहीं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। अपनी खुशी के लिए करते हैं। और पढ़ते किसके लिए हैं, अमूमन किस बारे में लिख रहे हैं? तो गालिब गुरु हैं, और फिर उसके बाद तो जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, साहिर साहब हैं, मतलब लिस्ट लंबी ही होती चली जाती है। वो तो खैर जितना, इट्स अ ह्यूज लिस्ट। आया उनकी बच्चन साहब की मधुशाला इज अमेजिंग, वेरी, हां वेरी नाइस। मैं देखता हमेशा फुल अटेंड करता हूँ। अच्छा, स्टॉल हम लोगों ने पहली बार लगाया है। अच्छा, स्टॉल पहली बार लगाया? स्टॉल पहली बार लगाया। अच्छा, तो इससे पहले आप सिर्फ जश्न देखता? जश्न देखता आ रहे थे। हाँ, आते थे। बहुत सारे शायर आने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली हर साल। मैं तो पिछले मतलब मैं फर्स्ट एडिशन में नहीं आया था, सेकंड से मैं आ रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ हर बार वो ये है कि द स्केल, ये ना फर्स्ट डे है, ये जो भीड़ है, ये जो क्राउड है, ये फर्स्ट डे का है। और मैंने किसी फेस्टिवल में नहीं देखा कि फर्स्ट डे पे इतना क्राउड आ गया, क्योंकि सेकंड थर्ड डे तक उसका उरूज आता है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डे से अगर ये हाल है तो मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि अगले दो दिन बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। ला 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 ला, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। और जश्न रेखता में और बहुत सारे ऐसे शेर दिखाओ जरा, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने शेर लिखे हुए हैं। और मैं क्या होते हैं बताओ, इधर जल्दी, अरे इधर आओ, शायरी लिखा हुआ है तो ये शेर नहीं है, क्या है ये, इसको शायरी बोलते हैं? मुझे लगा आर्ट फॉर्म को शायरी बोलते हैं और इसको शेर बोलते हैं। मिसराए उल्ला मिसराए सानी मिलके एक शेर बनाते हैं, क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। तो कंफर्म नहीं पता, हमारी शूटिंग खराब कर दी तुमने। इधर आओ एक मिनट, नाम बताओ। ये लो ये, अरे माइक लगा के बात करो, अरे इधर आना, मारू नहीं पता मुझे कहाँ से हो। मैं यहीं से, यही क्या होता है, दिल्ली से। दिल्ली से हो गया आप? दिल्ली में कहाँ? ये लक्ष्मी नगर। क्या बात कर रहे, बाइक लाया? ना सर, बस से आया। लक्ष्मी नगर के लौंडों के पास कभी बाइक थी? नहीं लाया बाइक, ऐसे ही बस। हेलमेट नहीं था?
था वो घर पे, क्योंकि पटपड़गंज से बाहर निकले नहीं तुम कभी। निकला कड़कड़डूमा जाते तुम्हारा चलान हो जाता है। नहीं नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम क्या बात करो, मैं खुद कटवा के आ रहा हूँ आज सुबह। आप ये बताओ शायरी किसको पढ़ते हो, किसको सुनते हो? यही गाली रेखता का काफिला रुक रुक के नहीं चल रहा है, जितनी आप भीड़ देख रहे हो मस्त लोग घुस गए आ गए, कम से कम नहीं तो 10,000 आदमी इस बार दिखने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पुराने बिछड़े शेर से मुलाकात हो जाए तो रेखता में आ जाओ। वैसे मैंने देखा है अगर किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने कुछ भी लिटरेचर रख दो ना, वो पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ेगा। तो इन्होंने पूरे रास्ते में शेर ही शेर चिपका दिए हैं, तो जो भी आदमी जा रहा है 10 बार रुक रहा है बीच में, इस चक्कर में जाम लग रहा है। आज कुछ था सोच ला उसमें, कल कल शाम को है, आप चले आओगे मतलब? ठीक है, आप इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो मुझे? भूख लग रही है, चलो ना कब। अरे भाई वो तो मेन कवर करने वाली चीज है, आओ मेरे साथ आओ। अरे सब बाद में होगा ये। दोस्तों विंटर्स में स्प्रिंग रोल खा रहे हैं जो कि समर्स के बाद मेरे ख्याल से बंद हो जाना चाहिए, मजा आएगा। वेरी नाइस फूड, अब मैं समझ रहा हूँ वहाँ भीड़ क्यों नहीं है, यहाँ ज़्यादा भीड़ क्यों नहीं है। तो दोस्तों फूड स्टॉल के बीच में हमें ये दो मुजरिम मिले हैं जो झारखंड से हैं, फिर भी यहाँ के लिट्टी खा रहे हैं। भाई हमारे लिए छोड़ दो लिट्टी, तुम चौमिन खाओ। चौमिन चौमिन में वो स्वाद नहीं है और वो बात भी नहीं जो लिट्टी चोखा में। नहीं लिट्टी चोखा सबसे बड़ी बात सत्तू होता है इसमें। हाँ और नहीं प्रोटीन का ज्ञान मत पेलना यहाँ पे। नहीं प्रोटीन नहीं, मतलब जो हाइजीनिक होता है यहाँ, मुझे लगा कि सबसे हाइजीनिक चीज भी यही है। अच्छा कुछ आपको घर से करीब भी लेके आती है लिट्टी चोखा? और क्या ये इसलिए कि आप वेजिटेरियन हो और यहाँ पे चॉइसेस कम है वेज की? हरिहरन जी, अरे मैं भी बहुत पसंद करता हूँ यार, मतलब हाँ मतलब हरिहरन तो वन ऑफ अ काइंड, वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा एक आर्टिस्ट आता है ना। और उसके अलावा बताओ कौन से आर्टिस्ट को देखने के लिए आए हो? कुमार विश्वास को देखना है, शैलेश लोढ़ा को, फिर ऋचा शर्मा को परसों सुनना है, मैथिली ठाकुर को सुनना है। सबको सुनना है ना, मतलब किसी को छोड़ा थोड़ी है, किसी को नहीं छोड़ा। तो यार विच इज ग्रेट, मतलब आप साहित्य के लिए आए हैं। मेरा नाम दिनकर आनंद है। दिनकर, अरे वाह क्या बात, तुम्हारा तो नाम ही बहुत ज्यादा। वर्षों तक वन में घूम घूम वाले दिनकर। वर्षों तक वन में घूम घूम, कुछ सुना सकते हो? पांडव आए कुछ और निखर हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है। देखिए आगे क्या होता है, पांडव का दुर्योधन को समझाने को, मैत्री की राह बताने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश लाए। क्या बात है, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर जो बाधा हो कोई बाधा तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम उठाएंगे, दुर्योधन वह भी देना सका, आशीष समाज के लेना सका, उल्टे हरि को मांगने चला, जो था असाधि साधि में चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक जाता है, हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पिक होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दिक्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विचार, भुज परिधि को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, ऐसे ही था। नाम मिलेनियम है। मिलेनियम नाम है तुम्हारा? हाँ। 2000 बॉर्न हो गया। हाँ जी, इसलिए तुम्हारा नाम मिलेनियम रख दिया। आ गए जावेद अख्तर साहब, आ गए जल्दी करो। वैसे आए अगर नहीं आए हुए तो मैंने जनता भेज दी। आओ क्या हाल है दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? सतीश। सतीश तुम खाने के लिए आए हो, इसके लिए आए हो, रेखता के लिए आए हो? अभी तो रेखता के लिए दोस्त। कुछ खाया नहीं, अभी तो एंट्री मारी। अभी एंट्री मारी, तूने मारी एंट्री। और तुम लोग शायरी वायरी पढ़ते हो क्या? कभी कभार। नहीं शायरी नहीं है, फोर लाइनर है, मैंने लिखी फोर लाइनर है। ठीक है तो शुरू करता हूँ मैं। तो धूप तू तो छाऊं मैं,
शहर तू तो गांव में, आहा तू गली में रास्ता, क्या बात, तू रास्ता तो ठहराओ में, आहा हा बहुत सुंदर बढ़िया, कलम तू तो किताब में, आहा जीत तू तो किताब में, समय है तू तो थोड़ा ठहर, गीत तू तो आवाज में, आहा हवा है तू तो पतंग में, कोयला है तू तो सुरंग में, फूल है तू तो थोड़ा महक, कविता तू तो काव्यांश में। आहा किसको पढ़ते हो, किसको पढ़ते हो? शायरी का आप जुनून देखिए, हमें लगता है, देखो मैं इसीलिए आया हूँ कि पब्लिक परसेप्शन जो है ना शायरी का, ये मरे रहते हैं, ये गिरे रहते हैं, दीवारन में सिर फोड़ रहे, ये सब नहीं है भाई। शायरी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा त्योहार है शायरी। जावेद साहब आ चुके हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, जो मुझे कहना है वो ये कहना है कि जावेद साहब आ चुके हैं और इतनी भीड़ है, ये पहला दिन है, ऐसा भी नहीं कि दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, क्योंकि दूसरा दिन होता तो हम कहते दूसरा दिन है, पर ये पहला दिन है, पहले ही दिन ऐसा हाल है कि लोग टीवी पे देख रहे हैं और वहां बैठने की तो जगह ही नहीं है, भूल जाओ। दोस्तों आप उर्दू का क्रेज देखिए, जुबान का क्रेज देखिए कि जनता बहुत दूर बैठी है आके, यहाँ पे मेरे ख्याल से हम कुछ लोगों से बात कर पाएंगे, कुछ कह रहे हो? बात करना मुनासिब नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा, हाँ अरे हो जाएगा, वो पीछे बैठे में सब हो जाएगा, ताली मारनी है, ताली मारी नहीं किसी ने दोस्तों, मैं आ जाऊं उधर, आ जाऊं मैं, तुम लोग वैसे भी सुन नहीं रहे हो मुझे लग रहा है, तो तुम ताली, अच्छा कोशिश कर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ पे बैठूं क्या मैं, बात बात करें, सुन रहे हो, चलो तो फिर क्यों ही बिठा लिया मुझे, थैंक यू गाइस। फराज भाई मिल चुके हैं, बहुत जाने माने और मेरे वन ऑफ द फेवरेट पसंदीदा कलाकार, क्या कहूँ, कहानीकार कह लूँ, और ये वो आदमी है जिन्होंने शुरुआती दौर में होता ना कि ऐसे शुरू में बादल तू कर लेगा, वो इन्होंने कह दिया था, मैंने कहा ठीक है बर्बाद हो गया मैं फिर anyway, मैं ये बता रहा हूँ यार, अच्छा रेख्ता में आने की आपकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मुझे बस ये पूछ भाई। देखिए एक तो उर्दू जबान की जो सेलिब्रेशन है, उर्दू जबान को जो जिंदा रखे हुए कुछ लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं और उसका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, इससे बड़ा सेलिब्रेशन तो शायद नहीं होता नॉर्थ इंडिया में या कहीं पे भी, एक तो सबसे बड़ी वजह वो है।
दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 साल बाद हो रहा है। हाँ, 2 साल बाद वो बैकलॉग सारा। हाँ, तो मुझे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि फ्राइडे को भी इतना क्राउड होगा। हाँ, सेम चीज मैं वही कह रहा हूँ, ये तो पहला दिन है। खुशी हो रही है इतना क्राउड देखकर। कल कुछ होने वाला है यहाँ पे, सांस लेने की जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं आप और हम दोनों पोइट्री से ताल्लुक रखते हैं, पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और अभी जावेद साहब को मैंने सुना, उन्होंने उर्दू जुबान के बारे में जो हिस्ट्री बताई और जो उन्होंने उसका पूरा लिपि को कैसे यूज किया गया है, कौन कौन सी लैंग्वेज से, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद आमतौर पर पढ़ने को नहीं मिलती। यहाँ आकर कुछ लोगों से मुलाकात ऐसी हो जाती है, आपसे मुलाकात बिल्कुल, हाँ, मतलब से मुलाकात होगी, तो इस के लिए भी आ रहे हैं, डेजावू के लिए भी आते हैं लोग। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काब मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, क्या बात है, बहुत खूबसूरत भाई। अब ये माइक पता नहीं कितना जस्टिस कर पाएगा इनकी आवाज के साथ, लेकिन हमने बहुत, मैंने सबसे पास से सुना तो बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बाय बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं, कल आओगे तो कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, थैंक यू सो मच। जुबाने सुखन और रंगो बू में रहता हूँ, जुबाने सुखन और रंगो बू में रहता हूँ मैं, जितने रोज शहर लखनऊ में रहता हूँ। क्या बात है, लखनऊ की तारीफ में एक शायरी पढ़ी है भाई ने।